रिजर्वेशन बढ़ सकता है, चार की जगह ज्यादा हो सकता है। 250 दिए तो बस से बढ़ने की तो बात, और जो है वो दे दो बस से, तो सबसे पहले नंबर वन कौम कर्नाटक में मुसलमान होंगे। इस सेंसस से मुस्लिम कौम का ना कोई फायदा है ना नुकसान है, झगड़ा असल उनका है। पूरे हिंदुस्तान के जेडीएस के नेशनल कमेटी मेंबर्स और प्रेसिडेंट्स को बुलाया हूँ 10 तारीख को, तो पता चल जाएगा किसके साथ कौन है। This video is presented by Mohammedi Furniture, where luxury meets affordability. Explore a range of sofas, beds, tables, chairs, and more at Mohammedi Furniture to elevate your home with comfort and style, making your dream home a reality. जहाँ तक सेंसस का सवाल है, हुकूमत से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि बहके नहीं। इस सेंसस से मुस्लिम कौम का ना कोई फायदा है ना नुकसान है, झगड़ा असल उनका है। बैकवर्ड फॉरवर्ड ये चल रहे हैं, तो ये कौन सी कौम कितनी है ये हिसाब सेंसस से मिल जाएगा। तो सियासतदान इसे डर क्यों रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है। आज सेंसस अगर आया तो सबसे पहले नंबर वन कौम कर्नाटक में मुसलमान होंगे, ये मालूम है मुझे, दुनिया जानती है। अब देखेंगे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब और राहुल गांधी इस पर क्लियर है, लेट अस वेट एंड सी। लेकिन इसके लिए हमको कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, ये हम ना नुकसान में नहीं है, हम ना फायदा भी नहीं है। बढ़ सकता है, अगर रिजर्वेशन बढ़ सकता है, चार की जगह ज्यादा हो सकता है। 250 दिए तो बस है, बढ़ने की तो बात, और जो है वो दे दो बस है। जो 4% दिए ना वो रिजर्व रजिस्टर करो, देखेंगे अब तेलंगाना के इलेक्शन हुए के बाद वहाँ का रिजल्ट क्या होता और वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। लेकिन मुझे यकीन है कि रियासत है कर्नाटक के अंदर ये कौम की ताकत मजबूत है, मजबूत रहेंगे और मजबूती के साथ जद्दोजहद करेंगे। अब आपका सियासी मरहला कहां तक पहुंचा है? 9 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के जेडीएस के नेशनल कमेटी मेंबर्स और प्रेसिडेंट्स को बुलाया हूं 10 तारीख को। 9 तारीख में डेट रखा था देवेगौड़ा, उसी दिन उन्होंने डेट अनाउंस करे, इसलिए मैं उनको 9 तारीख को वो करने दो, 10 तारीख को मैं कर रहा हूँ। इसमें पता चल जाएगा किसके साथ कौन है। तो आपकी जो प्राइमरी मेंबरशिप को उन्होंने रद्द किया है, तो उसके तालुक से उनको वो पावर ही नहीं है, उनको वो पावर ही नहीं है। जो निकाह पहला उन्हें तलाक नहीं दे रहा है, बाहर जाने वाला तलाक दिया बोले तो तलाक होता है क्या? 9 तारीख की मीटिंग में कौन कौन आने वाले? हम 10 तारीख की मीटिंग में पूरे हिंदुस्तान के जेडीएस के जितने सदर है लीडर है वो पूरे आ रहे हैं। अच्छा सर, तेलंगाना इलेक्शन का क्या लग रहा है इस तरह पर? मैं कुछ भी नहीं बोलता, 3 तारीख रिजल्ट होने तो उसके बाद देखेंगे। लेकिन एक चीज दोबारा मैं कौन से अपील करता हूँ, मुत्तफिक रहो, हिम्मत से रहो, वक्त जनवरी से शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम। जेडीएस कांग्रेस की तरफ से आपको पेशकश आ रही है, कांग्रेस पार्टी में आप शामिल होने लें, ऐसी बातें सुनने पा रही हैं? अब तक कोई पैगाम तो नहीं आया। हाँ, अगर कोई आता है तो आप इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे क्या? देखिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सैकड़ों लीडर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आज जेडीएस जेडीयू लालू यादव तीनों एक मिलना, एक होना, वो कोशिश एक जगह चल रही है। अब देखेंगे वक्त आने के बाद बेहतरी जो है मुल्क के लिए वही कदम उठाएंगे हम। This video is presented by Mohammedi Furniture, where luxury meets affordability. Explore a range of sofas, beds, tables, chairs, and more at Mohammedi Furniture to elevate your home with comfort and style, making your dream home a reality.